गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज दोपहर के लिए मैंने बनाया साबूदाने का खिचड़ी। वो मैं अभी खाऊंगी। इसमें मैंने गोभी डाला, देखिए साबूदाना का खिचड़ी। इसमें मैंने गोभी, मटर, आलू सब कुछ डाल दिया। खाली खाली खा सकती हूँ, लेकिन इसके साथ आप ऑमलेट, बैगन फ्राई, आलू फ्राई खा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। लंच बॉक्स में लेके जाओगे। ये स्पेशली व्रत के समय में हम लोग खाते हैं, ठीक है? तो टेस्ट करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों बहुत बढ़िया बना। दोस्तों मेरे चैनल में आइए, तरह तरह का इनोवेटिव खाना आप लोग बनाना सीख सकते हो, ठीक है, मेरे से। तो जो साबूदाने का खिचड़ी है, साबूदाने को रात भर भिगो कर रखिए, कम से कम 8 आवर्स, ठीक है? तो 8 आवर्स भिगो कर रखिए, उसके बाद कीजिए। और अभी सर्दी का मौसम है ना, तो टाइम ज्यादा लगेगा। कोई भी छोले राजमा सोक करने के लिए टाइम लगता है, गर्मी में ज्यादा जल्दी हो जाता है। तो साबूदाने का खिचड़ी के लिए साबूदाना मैंने रात को भिगो के रखा था, ठीक है? और मूंग की दाल, आप मसूर की दाल से भी कर सकते हो, मिक्स दाल से भी कर सकते हो। आप सर्दी का मौसम है, गोभी है, मटर है, टमाटर सस्ता है वो दे सकते हो, आलू दे सकते हो, गाजर है तो गाजर दे सकते हो। सब कुछ देखे कैसे बनाना है साबूदाने का खिचड़ी, ये जानने के लिए मेरे चैनल में आना पड़ेगा आप लोगों को। तो क्वीन के पास आप लोगों को आना पड़ेगा। आओगे ना सीखने के लिए? बहुत टेस्टी वाला, देखो गोभी, आलू, ये है फूलगोभी। बहुत टेस्टी। अगर चाहो, मैंने सूखा तेल से बनाया, अगर आप चाहो तो एक चम्मच खाने का समय खिचड़ी को फिर से, अगर गर्मा गर्म खाओ तो दूसरी बात है, नहीं तो गरम करके ऊपर से एक चम्मच काऊ घी दे दीजिए, सुने पे सुहागा। तो ये साबूदाने के खिचड़ी में चार चार लग जाएगी, बहुत टेस्टी बनता है, बनाकर तो देखिए। तो क्वीन सिंपल यूनिक को आगे बढ़ाने में मदद करिए, क्वीन के साथ रहिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय दोस्तों।